तो बायोलॉजी ह्यूमन डिजीज में आज पार्ट थ्री में हम लोग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में चर्चा करेंगे। पार्ट वन पार्ट टू में हम लोग देखे थे कम्युनिकेबल डिजीज प्रोटोजोअल बैक्टीरियल एंड वायरल डिजीज के बारे में डिटेल्स चर्चा किया गया था। और आज पार्ट थ्री में जो है वह हम लोग देखेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में डिटेल्स में चर्चा करेंगे, है ना। ऐसे तो बहुत सारा डिजीज है, बहुत सारे डिजीज़ के बारे में जो सिस्टम बताया जाएगा ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड सिस्टम, जैसे किडनी है, हार्ट है, ये सब में भी डिजीज के बारे में चर्चा किया जाएगा। हाँ, तो स्क्रीन पर आ चुका है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, है ना, गैर संक्रामक रोग। गैर संक्रामक रोग वैसे रोगों को कहा जाता है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है ना, या संक्रमण नहीं होता इसका, है ना, इसलिए इसका नाम है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। बहुत सारा डिजीज है लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण डिजीज है उसकी चर्चा हम यहाँ करने जा रहे हैं। तो पहला देखिए लिखा हुआ है फाइलेरिया। क्या है? फाइलेरिया, ठीक है, फाइलेरिया। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ फाइलेरिया, यह रोग क्यूलेक्स नामक मच्छर के काटने से होता है। इस रोग में टांगे सूजकर हाथी के पैर के समान हो जाती है। हाथी के पैर के समान जो है टांगे सूजकर हो जाती है ना। क्यूलेक्स नामक मच्छर के काटने से यह रोग होता है। तो फाइलेरिया जो है यह क्यूलेक्स नामक मच्छर के काटने से होता है। ये मच्छर संक्रमित करता है हमारे शरीर में, लेकिन ये फाइलेरिया जो है, यहाँ पर देखिए मैं लिखा हुआ हूँ, यह रोग फाइलेरिया बैंक्रोफटाई नामक कृमि से होता है। फाइलेरिया बैंक्रोफटाई नामक कृमि से होता है और क्यूलेक्स मच्छर जो है इस रोग को हमारे शरीर में पहुँचाता है, ठीक है। ये रोग जो है, इस रोग में क्या होता है, लिम्फ नोड लसिका ग्रंथि प्रभावित होगा। लसिका ग्रंथि, इस रोग में प्रभावित अंग क्या है, तो लसिका ग्रंथि, मैं यहाँ लिख देता हूँ, लिम्फ नोड, है ना। फाइलेरिया में प्रभावित अंग क्या है, तो लिम्फ नोड लसिका ग्रंथि, या इसको लसिका पर्व भी कहा जाता है। फाइलेरिया रोग किसके कारण हुआ, तो कृमि से होता है। कौन सा कृमि? फाइलेरिया बैंक्रोफटाई नामक कृमि से। और किस मच्छर के काटने से? तो क्यूलेक्स नामक मच्छर के काटने से होता है। इसमें पैर जो है, टांगे जो है, वह सूजकर हाथी के पैर के समान मोटी हो जाती है। इसलिए इस रोग का दूसरा नाम आपका हाथी पांव भी है। हाथी पांव भी है, इस रोग का दूसरा नाम क्या है, हाथी पांव, है ना, एलिफेंट फुट भी इसको कहा जाता है फाइलेरिया को। अब आते हैं दूसरा है पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर, अल्सर यानी कि जख्म होना, पेप्टिक यानी कि अमाशय में जख्म होना। पेप्टिक अल्सर, जहाँ अल्सर तो कहीं भी होता है, माउथ अल्सर भी होता है, तो अल्सर का मतलब होता है कि मुंह में जख्म हो गया है, है ना। और अगर अमाशय में हो गया तो पेप्टिक अल्सर। अमाशय में हमारे शरीर में एक एसिड सेक्रेट करता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या हर एक व्यक्ति के शरीर में सेक्रेट करता है, ठीक है। जब हम भोजन करते हैं तो उस समय सेक्रेट करता है HCl, लेकिन ये जो है HCl का अगर सेक्रेशन ज़्यादा हो रहा है, HCl का सेक्रेशन अगर ज़्यादा हो रहा है तो अमाशय में जख्म उत्पन्न हो जाएगा। अमाशय में जख्म उत्पन्न होने के कारण जो है वह अमाशय में संक्रमण उत्पन्न हो जाएगा, संक्रमण उत्पन्न हो जाएगा। तो ये जख्म उत्पन्न हो जाता है अमाशय में किसके कारण? HCl के सेक्रेशन के कारण। कैसे पता चलेगा कि अमाशय में जख्म हो गया है? तो व्यक्ति को हमेशा खट्टा डकार उत्पन्न होगा, गैस काफ़ी ज़्यादा बनेगा, पेट में बीच में दर्द होगा। तो इससे जो है यह
इस रोग के पहचान के लिए डॉक्टर के द्वारा बेरियम एक्सरे किया जाता है। बेरियम एक्सरे का मतलब क्या है कि व्यक्ति को बेरियम सल्फेट एक्सरे कराने के पहले बेरियम सल्फेट का घोल पिलाया जाता है और घोल पिलाए जाने के बाद उसका एक्सरे किया जाता है। किसका? तो अमाशय का, है ना, अमाशय का एक्सरे किया जाता है। ओके, ये पहला है। दूसरा गैस्ट्रोस्कोपी, है ना। गैस्ट्रोस्कोपी क्या हुआ कि मुंह के माध्यम से पाइप के द्वारा अमाशय में एक कैमरे को भेजा जाता है, है ना। मुंह के माध्यम से एक छोटा नली को अमाशय में भेजा जाता है और उस नली में छोटा सा कैमरा लगा होता है। वह कैमरा अमाशय के फिगर को लेकर कंप्यूटर में डालता है, इससे पता चलता है कि अमाशय में अल्सर हुआ है या नहीं। अगर अल्सर बहुत ज़्यादा हो गया है, काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो यही अल्सर जो है पेप्टिक कैंसर का भी रूप ले सकता है। पेप्टिक कैंसर का भी, अमाशय में जो कैंसर होता है उसका भी रूप ले सकता है। तो ये है पेप्टिक अल्सर। ओके, तो बेरियम एक्सरे समझ में आ गया, गैस्ट्रोस्कोपी समझ में आ गया। अब आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट हार्ट फेल्यूर, हृदयघात क्या है। हृदयघात, हृदय की धमनियों में सिकुड़न उत्पन्न हो जाने से हार्ट में पर्याप्त ब्लड नहीं पहुंच पाता है, जिसे इजाइना कहा जाता है। पर्याप्त ब्लड का नहीं पहुंचना इजाइना कहा जाता है। इजाइना का उग्र रूप ही हार्ट अटैक कहलाता है। अब इसको हम साधारण तरीके से समझेंगे कि हृदय में दो नली होता है, धमनी और सीरा। धमनी और सीरा, आर्टरी एंड वेन। यह हृदय में ब्लड को लाता है और हृदय से ब्लड को निकालता है, ठीक है। हृदय एक ऐसा ऑर्गन है हमारे शरीर का जो जीवन भर 2400 घंटे काम करता है, कभी आराम हृदय नहीं करता। सबसे सक्रिय अंग कौन है? तो हार्ट है। हृदय तभी काम करता है जबकि हृदय में पर्याप्त ब्लड जाता है, ठीक है। ब्लड कौन पहुंचाता है? धमनी और सीरा। ओके, तो ये धमनी और सीरा में किसी कारणवश ब्लॉकेज हो गया। मान लो ये धमनी सीरा नली है, ठीक है, इसमें ब्लॉकेज हो गया, इस तरह से ब्लॉकेज हो गया, ठीक है, तो हृदय में पर्याप्त ब्लड नहीं जाएगा, है ना, पर्याप्त ब्लड नहीं पहुंच पाएगा और इसको इजाइना कहा जाता है, है ना। और अगर ये पूरा ब्लॉकेज हो गया, ये बंद हो गया, रास्ता ही बंद हो गया, तो ब्लड हृदय में नहीं जाएगा। और जैसे हृदय में ब्लड नहीं जाएगा, है ना, हृदय काम करना बंद कर देगा, उसी को हम लोग हृदय घात, हार्ट अटैक कहते हैं, ठीक है। इस रोग में जैसे इस व्यक्ति को हार्ट अटैक आएगा, क्या लक्षण होता है, क्या सिम्टम होता है, ये जानना बेहद ज़रूरी है। क्या है? तो रोगी को सीने में बाईं ओर तेज दर्द होगी, रोगी को सीने में बाईं ओर तेज दर्द होगा, है ना, अधिक पसीना आएगा, बहुत तेज, इतना जोर दर्द होगा कि वह सीना पकड़ कर बैठ जाएगा या अगर कमज़ोर है तो वहीं गिर जाएगा। काफ़ी घबराहट होगा, है ना, और जोरों का पसीना आएगा। अगर व्यक्ति का शरीर कमज़ोर है पहले से, तो वह पहले अटैक में ही उसकी मृत्यु भी हो जाती है। बहुत सारे व्यक्तियों की पहले अटैक में ही मृत्यु हो जाती है। तो अटैक आने का कारण क्या है? ब्लड, हृदय में ब्लड का नहीं पहुंचना हृदय घात का कारण है, ठीक है। इस रोग के लिए सबसे पहले व्यक्ति को सर्बिटेट का गोली दिया जाता है। सर्बिटेट का गोली दिया जाता है। गोली इसलिए दिया जाता है कि ये जो धमनी सीरा में जो ब्लॉकेज हो गया, इस तरह का ब्लॉकेज होगा, ये सर्बिटेट जो है वह ब्लॉकेज को खोल देता है, ब्लॉकेज को साफ कर देता है। सर्बिटेट ब्लॉकेज को साफ कर देता है, है ना, साफ कर देता है। सर्बिटेट ये ब्लॉकेज को समाप्त कर दिया, ठीक है। और अगर ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है तो डॉक्टर के द्वारा जो है वह बाईपास सर्जरी, बलून एंजियोप्लास्ट या बाईपास जो सबसे प्रसिद्ध है, बाईपास सर्जरी है, और ओपन हार्ट सर्जरी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है,
ठीक है, तो ओपन हार्ट सर्जरी कराया जाता है डॉक्टर के द्वारा। अब हृदय सही ढंग से काम करता है या नहीं, कर रहा है या नहीं, इसके लिए कौन सा टेस्ट कराया जाता है, तो ईसीजी टेस्ट बहुत ही प्रसिद्ध है हृदय के लिए, ईसीजी टेस्ट, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इस टेस्ट के माध्यम से पता चलता है कि आपका हृदय सही ढंग से काम कर रहा है या नहीं, हृदय का के गति का दर कैसा है, ठीक है, ईसीजी टेस्ट, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, क्लियर है। तो ये हार्ट अटैक जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये डिजीज है। अब आइए कैंसर, कैंसर के बारे में हम लोग पढ़ना चाहेंगे बहुत ही डिटेल्स में। देखिए ये पढ़ने के साथ साथ जानना भी बेहद ज़रूरी है, कैंसर आखिर है क्या। कैंसर को हिंदी में कर्क रोग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कर्क रोग कहा जाता है हिंदी में। शरीर के किसी अंग के अनियंत्रित वृद्धि को ही कैंसर कहा जाता है। हमारे शरीर में बहुत सारा सिस्टम है, बहुत सारा अंग है अंदर में, ठीक है, किसी अंग में अनियंत्रित वृद्धि हो गया। हमारा अंग किससे बना हुआ है? तो सेल से बना हुआ, कोशिकाओं से बना हुआ है ना। तो किसी अंग का कोई सेल है जिसमें कि अनियंत्रित वृद्धि हो गया। अनियंत्रित वृद्धि का मतलब कि या तो सेल का डिवीजन रुक गया है या सेल का डिवीजन बहुत ज़्यादा हो गया है, तो वही जो है विकृति उसमें उत्पन्न हो जाएगा, उस सेल में विकृति उत्पन्न हो जाएगा, उसी को हम लोग कैंसर कहते हैं, उसी को हम लोग कैंसर कहते हैं। कैंसर का कोई एज नहीं है, बच्चे से लेकर वृद्ध व्यक्ति तक कैंसर रोग होता है, ठीक है। कैंसर जो है वह मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, ये जानना बेहद ज़रूरी है। कैंसर दो प्रकार का होता है, पहला कार्सिनोमा। कार्सिनोमा का मतलब है कि शरीर के किसी विशेष अंग में कैंसर होना, जैसे माउथ कैंसर, लीवर कैंसर, स्टोमेक कैंसर है ना, लेग कैंसर, बोन कैंसर, किसी अंग में अगर कैंसर हो गया तो उसको कहा जाए कार्सिनोमा। किसी अंग में कैंसर हो गया, कार्सिनोमा। यह कैंसर जो है होने का मुख्य कारण शरीर में अनेक प्रकार का रसायन उत्पन्न होता है, उस रसायन से कैंसर होता है। हालांकि कहा जाता है कि निकोटीन, कैफीन का जो सेवन ज़्यादा करता है व्यक्ति, उसको ये कैंसर होने का संभावना ज़्यादा होता है, ये विज्ञान कहता है। लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कोई व्यक्ति निकोटीन, कैफीन इत्यादि का सेवन कभी नहीं किया है जीवन में, उसको भी कार्सिनोमा कैंसर हो जाता है। तो कैंसर क्यों होता है ये आज भी मतलब ज्ञान के परे है, है ना। बहुत सारा मतलब कारण जो है विज्ञान को भी पता नहीं है कि कैंसर होने का क्या कारण है। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति आपको मिल जाएंगे जो जिन बहुत ही सादा जीवन उनका है, काफ़ी अच्छा खान पान है, फिजिकल एक्टिविटी है, लेकिन उनको भी कैंसर हो गया, ठीक है। तो ये कहना मुश्किल है कि हमारे शरीर में जितनी कोशिकाएं, असंख्य कोशिकाएं हैं, किस कोशिका में अनियंत्रित वृद्धि होगा और किस में कैंसर होगा, ठीक है। लेकिन ये माना जाता है कि हम जो मतलब विषैले रसायन का सेवन करते हैं, जैसे निकोटीन हुआ जो कि सिगरेट, तंबाकू है ना, गुटखा में पाया जाता है, कैफीन जो कि चाय कॉफ़ी में पाया जाता है, इसके अत्यधिक सेवन से कार्सिनोमा कैंसर होता है, ओके। कैंसर अगर हो गया तो क्या पहला उपचार क्या है? तो सबसे पहले डॉक्टर के द्वारा बायोप्सी कराया जाता है। बायोप्सी, बायोप्सी का मतलब क्या है कि जिस अंग में डॉक्टर को कैंसर होने का संदेह है उस अंग के ब्लड को निकाल कर टेस्ट के लिए भेजा जाता है। अगर उस ब्लड में कैंसर का जो है अंश मिला तो डॉक्टर कहता है कि आपको कैंसर हो गया, ये बायोप्सी कराया जाता है। सबसे पहला बायोप्सी हुआ, ठीक है। दूसरा है रेडियोथेरापी। रेडियोथेरापी रेडिएशन दिया जाता है, किसका? तो कोबाल्ट 60 से गामा रे निकलता है, गामा किरण निकलता है। शरीर के जिस अंग में कैंसर हुआ होता है उस अंग में रेडिएशन मतलब कि कोबाल्ट 60 का रे दिया जाता है ताकि जो कैंसर का कीड़ा है वह वहां पर समाप्त हो जाए या विशेष अंग में फैलने नहीं पाए। कोबाल्ट 60 रेडियोथेरापी।
और तीसरा जो है केमोथेरापी, केमोथेरापी के माध्यम से व्यक्ति को जो है वह विभिन्न रसायन को मिलाकर व्यक्ति को के शरीर में चढ़ाया जाता है, केमोथेरापी। ये लगभग हर एक कैंसर पेशेंट को ये दिया जाता है, केमो दिया गया, ठीक है। केमो देने का कारण क्या है कि व्यक्ति के शरीर में जो कैंसर है वह उसका फैलाव नहीं हो पाए, वह वहीं तक सीमित रह जाए, है ना। 2 महीने में 3 महीने में केमो दिया जाता है, और जब व्यक्ति को केमो पड़ जाता है तो केमो का दुष्प्रभाव क्या होगा कि व्यक्ति का वजन और गिरता जाएगा, और दूसरा कि शरीर का बाल, खास करके जो है सिर का बाल झड़ने लगेगा। कई सारे व्यक्तियों का जो सिर का बाल पूरी तरह से झड़ जाता है केमो, क्योंकि बहुत ही शरीर में गर्मी उत्पन्न करता है, और उसी गर्मी के कारण जो कैंसर का जो कीड़ा है वह समाप्त होने की संभावना रहती है। तो ये 3 ये है, टेस्ट है, बायोप्सी, रेडियोथेरापी रेडिएशन दिया जाता है रोकथाम के लिए, केमोथेरापी दिया जाता है रोकथाम के लिए, ठीक है। और एक है कि अगर जिस अंग में कैंसर हुआ होता है, जैसे माउथ कैंसर है या कहीं पर है, तो ये उस अंग का ऑपरेशन करके भी डॉक्टर जिस मतलब जहाँ तक कैंसर का लक्षण है उस अंग को निकाल दिया जाता है, ठीक है। दूसरा है ल्यूकोमेनिया, जिसको हम ब्लड कैंसर कहते हैं। इसके बारे में हम लोग ब्लड वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, फिर से देखते हैं कि ब्लड कैंसर होने का क्या कारण है। तो हमारे शरीर में WBC बनता है, WBC हमारे शरीर का एंटीबॉडी है ना, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। लेकिन WBC अगर बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो रहा है हमारे शरीर में, WBC कितना ज़्यादा उत्पन्न हो रहा है यह कहना आज भी मुश्किल है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो रहा है तो जहाँ से WBC निर्मित होता है, रेड बोन मैरो है ना, उसी को WBC समाप्त कर देता है, नष्ट कर देता है, जिसके कारण व्यक्ति के शरीर में जो है ब्लड का निर्माण नहीं हो पाता। इसका मुख्य कारण कि रेड बोन मैरो नष्ट हो जाता है, ठीक है, और उसी को हम लोग कहते हैं ब्लड कैंसर, ठीक है। जिस व्यक्ति को ब्लड कैंसर हो जाता है उसको जो है समय समय पर डॉक्टर के द्वारा ब्लड चढ़ाया जाता है, क्योंकि उसके शरीर में ब्लड का निर्माण नहीं होता है, क्योंकि रेड बोन मैरो ही नष्ट हो गया है, ठीक है। तो ये ब्लड कैंसर है, और ब्लड कैंसर का एकमात्र इलाज ये है कि बोन मैरो का ट्रांसप्लांट किया जाना, प्रत्यारोपण किया जाना। अगर कोई व्यक्ति का बोन मैरो है ना कैंसर पेशेंट से जो है मैच कर गया, तो बोन मैरो अगर ट्रांसप्लांट कर दिया गया तो वह व्यक्ति बच सकता है। बोन मैरो एक ऐसा ऑर्गेन है हमारे शरीर का जो डेवलप भी होता है ना। अगर कोई व्यक्ति अपना बोन मैरो दूसरे व्यक्ति को दे देता है तो ऐसा नहीं कि उसका बोन मैरो नष्ट हो गया, उस बोन मैरो का कुछ अंश वह देगा, ठीक है, और उसके बाद बोन मैरो धीरे धीरे शरीर में फिर से डेवलप हो जाएगा। जैसे छिपकली का पूंछ डेवलप होता है, उसी प्रकार बोन मैरो भी शरीर में फिर से डेवलप हो जाएगा अगर व्यक्ति स्वस्थ है तो, ठीक है। तो ये ल्यूकोमेनिया है जिसको हम लोग ब्लड कैंसर कहते हैं। महिलाओं में अक्सर ब्रेस्ट कैंसर भी होता है। ब्रेस्ट कैंसर होने का कारण क्या है कि महिलाओं में अत्यधिक मात्रा में एस्ट्रोजन हार्मोन, जो सेक्स हार्मोन महिलाओं में सेक्रेट करता है, अगर यह ज़्यादा सेक्रेट कर रहा है तो महिलाओं के शरीर में ब्रेस्ट कैंसर होता है, ठीक है। महिलाओं के शरीर में 2 प्रकार का मुख्य कैंसर होता है, ब्रेस्ट कैंसर और दूसरा यूट्रस कैंसर। यूट्रस कैंसर गर्भाशय में कैंसर उत्पन्न होना, और ये दोनों जो कैंसर है वह एस्ट्रोजन हार्मोन की अधिकता के कारण उत्पन्न होता है। तो कैंसर जो है वह कह सकते हैं कि बहुत सारे व्यक्तियों का ठीक भी हो जाता है, और बहुत सारे व्यक्ति ऐसे भी मिलते हैं जो जिनका कैंसर ठीक नहीं हो पाया और अंततः उनकी मृत्यु हो गई है ना। तो ये कैंसर एक ऐसा बीमारी है जिसका कि आज तक कोई 100% शर्तिया इलाज नहीं हो पाया है ना। व्यक्ति का अगर इम्यून सिस्टम काफ़ी मजबूत है ना, हम फिर से ये कहेंगे कि व्यक्ति का इम्यून सिस्टम अगर मजबूत है तो उसके शरीर में चाहे कोई भी रोग अटैक करे है ना, उसके शरीर का बचाव करता है। तो यह है कैंसर, हिंदी में कर्क रोग कहते हैं, ओके। अब आते हैं हम लोग
खेसारी दाल देख लीजिए, खेसारी दाल अधिक खाते हैं तो क्या होगा? खेसारी दाल जो है वह व्यक्ति अगर अधिक सेवन करता है तो खेसारी दाल में ऑस्टियोटॉक्सिन नामक एक वायरस पाया जाता है। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक खेसारी दाल का सेवन करता आया है, खेसारी दाल जो है वह अरहर के दाल जैसा ही होता है, इसलिए अरहर के दाल में मिलावटी के रूप में खेसारी दाल मिलाया जाता है, तो खेसारी दाल अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा सेवन करता है उसमें ऑस्टियोटॉक्सिन नामक एक वायरस पाया जाता है जो कि मनुष्य की टांगों में विकलांगता उत्पन्न कर देता है। व्यक्ति धीरे धीरे विकलांग होने लगेगा और एक समय ऐसा आएगा कि व्यक्ति का टांग जो है वह हल्का टेढ़ा हो जाएगा, जिसको लेथारिज्म कहा जाता है, लेथारिज्म। ठीक है, तो खेसारी दाल का अधिक सेवन करने से कौन सा रोग होगा? लेथारिज्म। ओके, अब आइए, शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो गई तो हाइपोक्सिया बीमारी होगा। हाइपोक्सिया बीमारी को थोड़ा समझते हैं। ऑक्सीजन की कमी व्यक्ति के शरीर में कब होगा? जब ब्लड की कमी होगी। जब शरीर में ब्लड नहीं होगा, हीमोग्लोबिन अगर शरीर में कम है तो हीमोग्लोबिन ही हमारे शरीर में ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन करता है। ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? हीमोग्लोबिन। तो ऑक्सीजन का परिवहन कम करेगा क्योंकि हीमोग्लोबिन की संख्या कम है ना, और इस कारण हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। कमी का लक्षण क्या होगा कि व्यक्ति थोड़ा दूर चलेगा वह हाँफने लगेगा, कोई काम कर रहा है थक जाएगा, है ना, उसको हाइपोक्सिया बीमारी कहा जाता है। ऑक्सीजन की कमी होना हाइपोक्सिया। ओके, अब आते हैं अल्जाइमर पार्किंसन। अल्जाइमर पार्किंसन जो है वह ज़्यादातर ये वृद्ध व्यक्ति में होता है। अल्जाइमर और पार्किंसन दोनों वृद्ध व्यक्ति में होता है मुख्य रूप से। ठीक है, ये दोनों बीमारी जो है मस्तिष्क से संबंधित है, ब्रेन डिसऑर्डर बीमारी है। अल्जाइमर पार्किंसन में प्रभावित अंग क्या होगा? मस्तिष्क। इसको ब्रेन डिसऑर्डर डिजीज भी कहा जाता है। अल्जाइमर कैसा बीमारी है? तो भूलने का बीमारी। जिस व्यक्ति को अल्जाइमर होगा उसका याददाश्त कमज़ोर हो जाएगा, है ना। कुछ कुछ ऐसे वृद्ध व्यक्ति भी मिल जाते हैं जिनका याददाश्त एकदम कमज़ोर है, किसी व्यक्ति को पहचान नहीं पाते हैं, या कहीं बाहर घूमने गए रास्ता भटक गए। कारण क्या है? अल्जाइमर होना। दूसरा पार्किंसन। पार्किंसन में वृद्ध व्यक्ति का शरीर पूरा थरथराएगा, हाथ पैर पूरा थरथराएगा, उसको पार्किंसन रोग कहा जाता है। ये दोनों अधिकांशतः वृद्ध व्यक्ति में होता है, ये ध्यान में रखेंगे। इसको ब्रेन डिसऑर्डर डिजीज भी कहा जाता है। ब्रेन से संबंधित और कौन कौन सी बीमारियां हैं वह भी हम लोग देखते हैं। ओके, तो ये जो है आपका ब्रेन डिसऑर्डर बीमारी है अल्जाइमर और पार्किंसन। ब्रेन से संबंधित बीमारी देख लेते हैं एक नज़र में, कौन कौन सा है। अक्सर क्वेश्चन होता है कि इस रोग में कौन सा अंग प्रभावित होगा, तो ये पूरा देख लीजिए, ब्रेन से रिलेटेड बीमारी है। थोड़ा सा बीमारी के बारे में चर्चा भी करते जाएंगे। मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस पढ़ चुके हैं, बैक्टीरियल डिजीज है। ठीक है, ब्रेन से, इसको मस्तिष्क ज्वर भी कहा जाता है, ब्रेन फीवर है। और ये इसी प्रकार इंसेफ्लाइटिस है, ये भी ब्रेन फीवर है, ये वायरल डिजीज है। इंसेफ्लाइटिस और मेनिंजाइटिस बैक्टीरियल डिजीज, दोनों ब्रेन फीवर है। अल्जाइमर अभी पढ़ चुके, भूलने की बीमारी, याददाश्त कमज़ोर होना। पार्किंसन, शरीर का थरथराना। ऑटिज्म, ऑटिज्म जो है वह मंद बुद्धि का बच्चा, बच्चे का जन्म हुआ, धीरे धीरे पता चला कि वह मंद बुद्धि का है, कुछ भी उतना उसको बुद्धि ही नहीं, उतना ज्ञान ही नहीं है। ठीक है, उसको कहा जाता है ऑटिज्म होना। सिजोफ्रेनिया, सिजोफ्रेनिया मतलब कल्पना में खोया रहने वाला व्यक्ति, है ना। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो हमेशा कल्पना में खोए रहते हैं, दिन भर सोचते रहते हैं, भीड़ भाड़ उनको पसंद नहीं है, अकेले में वह व्यक्ति निवास करना चाहता, उसको सिजोफ्रेनिया कहा जाता है। प्रिजेरिया, प्रिजेरिया में ये भी मस्तिष्क से संबंधित बीमारी है। प्रिजेरिया में व्यक्ति जो है वह बहुत जल्द बूढ़ा होने लग गया, बहुत जल्द उसका शरीर बूढ़ा होने लगेगा। उम्र है 15 साल, लेकिन उसके शरीर में झुर्री पड़ जाएगा, स्किन में झुर्री, जैसे वृद्ध व्यक्ति में होता है, स्किन में झुर्री हो जाएगा, हल्का हुआ झुक जाएगा, है ना, धीरे धीरे, जैसे वृद्ध व्यक्ति का जो लक्षण होता है उस 15 साल 20 साल के व्यक्ति में दिखाई देगा, है ना। प्रीजेरिया उसको कहा जाता है। इपिलेप्सी, इपिलेप्सी का मतलब मिर्गी आना,
मिर्गी आने का कारण क्या है कि ब्रेन में तीन लेयर पाया जाता है, ये हम ब्रेन वाले चैप्टर में बताएंगे कि मिर्गी क्यों आता है, ठीक है, मिर्गी क्यों आता है ये हम बताएंगे ब्रेन वाले चैप्टर में। तो ये आठ ब्रेन से रिलेटेड बीमारी का नाम जरूर याद रखेंगे, ओके। अब आते हैं नेत्र से संबंधित रोग। नेत्र से संबंधित रोग देख लीजिए, एक जगह लिखा हुआ है मायोपिया। मायोपिया का मतलब है निकट दृष्टि दोष, मायोपिया का मतलब है निकट दृष्टि दोष, ठीक है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट दृष्टि दोष में मायोपिया में क्या होता है, तो ये आपका वस्तु का प्रतिबिंब जो है वह रेटिना पर ना बनकर रेटिना के पहले बन जाता है, उसको निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। ऐसे दोष में जो है व्यक्ति को जो है वह निकट दृष्टि दोष में क्या होगा, व्यक्ति नाम है निकट दृष्टि दोष, लेकिन व्यक्ति नेत्र की वस्तु को जो है वह स्पष्ट देख लेता है, तो निकट की वस्तु को स्पष्ट देख लेगा लेकिन दूर की वस्तु को वह नहीं देख पाता है, ठीक है, ये मायोपिया। दूसरा हाइपरमेट्रोपिया, इसका ठीक उल्टा, दूरदृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया, इसमें वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बन जाता है इसलिए उसको नज़दीक का दिखाई नहीं देता है। एस्टिगमैटिज्म, एस्टिगमैटिज्म है अबिंदुकता, हिंदी में इसको कहता है अबिंदुकता, ठीक है। अबिंदुकता में क्या होता है, व्यक्ति को वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा दिखाई देता, उल्टा दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद चौथा है प्रेस बायोपिया, जिसको जरा दृष्टि दोष कहा जाता है, जरा दृष्टि दोष, इस रोग में व्यक्ति को न ही पास का वस्तु और न ही दूर का वस्तु दिखाई देगा, ये अधिकांशतः वृद्ध व्यक्ति में होता है, प्रेस बायोपिया अधिकांशतः वृद्ध व्यक्ति में होता है। उसके बाद है डिप्लोपिया, डिप्लोपिया का मतलब लकवा मारना, लकवा पैरालिसिस आँख में मार देगा, आँख हल्का टेढ़ा हो जाएगा, उसको डिप्लोपिया कहा जाता है, ठीक है। तो ये नेत्र से संबंधित ये बीमारी है, मायोपिया निकट दृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया दूरदृष्टि दोष, और एस्टिगमैटिज्म अबिंदुकता, प्रेस बायोपिया जरा दृष्टि दोष, एंड डिप्लोपिया यानी कि आँख में लकवा मारना। और भी नेत्र से संबंधित बीमारी है जैसे कैटरेक्ट मोतियाबिंद है, ग्लूकोमा है, ये हम नेत्र से रिलेटेड जो चैप्टर है उसमें बताएंगे तो और क्लियर कंसेप्शन आप लोगों को होगा, ओके। अब आते हैं फ्लोरोसिस रोग। फ्लोरोसिस रोग, फ्लोरोसिस रोग होने का कारण क्या है, पानी में फ्लोरीन की अधिक मात्रा से यह रोग होता है ना, पानी में फ्लोरीन की अधिक मात्रा से फ्लोरोसिस रोग होता है। इसमें प्रभावित अंग होता है दांत, है ना, दांत में पीलापन होने लगेगा और धीरे धीरे दांत टूटने लगेगा, उसको फ्लोरोसिस बीमारी कहा जाता है, ओके। मिनी माता रोग, मिनी माता रोग जापान में होता है, जापान में मिनी माता रोग होता है, किसके कारण, तो पारा की अधिकता के कारण, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है मिनी माता नामक रोग होने का क्या कारण है, तो आपका पारा की अधिकता, वहाँ के वायु में पारा ज़्यादा पाया जाता है, मरकरी ज़्यादा पाया जाता है। इसी प्रकार जापान में एक और बीमारी होता है इटाई रोग जो है वह जापान में कैडमियम के कारण होता है, कैडमियम वायु में ज़्यादा पाया जाता है और वहाँ इटाई रोग होता है, इसके कारण व्यक्ति जो है कैंसर से पीड़ित हो जाता है। तो फ्लोरोसिस हो गया, मिनी माता हो गया, इटाई हो गया। अब आगे चलते हैं एक्जिमा, एक्जिमा स्किन है ना, ये स्किन में प्रॉब्लम होगा, आप लोग पढ़े होंगे हर्पीज बीमारी वायरल, इसी प्रकार एक्जिमा है। एक्जिमा जो है स्किन में खासकर पैर हाथ का जो पाम है, हथेली जो है, इसमें लाल लाल दाना उत्पन्न हो जाएगा, पूरा खुजलाहट होगा, है ना, पूरा खुजलाहट होगा और लाल लाल दाना उसमें उत्पन्न हो जाएगा, उसी को एक्जिमा कहा जाता है, ठीक है। ये आपका कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, कम्युनिकेबल डिजीज ये नहीं है एक्जिमा, ओके। हर्पीज जो है वह कम्युनिकेबल है लेकिन एक्जिमा कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, ये ध्यान में रखना है। तो इतना डिजीज जो है हम लोग पढ़े, पूरा डिटेल्स में पढ़े, है ना, नॉन कम्युनिकेबल की चर्चा किए, और भी बहुत सारा डिजीज मिलेगा जो चैप्टर वाइज, जैसे नेत्र बताएंगे तो नेत्र से संबंधित, हृदय किडनी, उसमें जो है अपने आप, चूँकि वो अगर चैप्टर वाइज आप डिजीज पढ़ते हैं तो आपका और भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा,
ठीक है। इसमें जो है ये डिजीज चैप्टर आज आपका यहाँ कंप्लीट हो गया, ठीक है। कल हम लोग दूसरा चैप्टर लेके आएंगे। तो ओके, थैंक यू टू ऑल।